आत्मस्वरूप का बोध, परमात्म स्वरूप का बोध, और यही श्रवण का सबसे बड़ा लाभ है। अनेक तरह की जिज्ञासाएं हृदय में जग जाए, जिज्ञासाओं की बाढ़ आ जाए, और पुनः शाम श्रवण करते 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 शांत हो जाए, क्योंकि ये भागवत आरंभ में ही कहा गया, परीक्षित श्रवण कर रहे हैं, सुखदेव सुना रहे हैं। उस समय मुनिवर सुखदेव ने कहा, सातवें दिन, यह परीक्षित, मैंने तुझे कृष्ण को ही सुनाया है, कथा नहीं। तब परीक्षित ने भी कहा, हां आपने मुझे कथा नहीं कृष्ण को ही सुना दिया है, इसीलिए तो सबके बीच में इस सभा में मैं उद्घोषणा करता हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं सिद्ध हो गया। आज कोई कहे कि मैं सिद्ध हूं तो लोग उसे प्रमादी कहेंगे कि बड़ा भारी प्रमादी है, ये अपने को सिद्ध कहता है। लेकिन परीक्षित जैसा रजोगुणी राजा मुनिवर सुखदेव के श्रीमुख से सातवीं दिन कथा श्रवण करके कहता है, सिद्धोस्मि। सुखदेव तक को आश्चर्य हुआ, ये रजोगुणी राजन्य कुलभूषण परीक्षित ये सिद्ध कैसे हो, इनको भी संदेह हो गया कथा की ऐसी महिमा। सुखदेव तक को विश्वास नहीं हुआ, सुनाया तो कृष्ण को ही सुनाया, लेकिन संशय में पड़ गए सुखदेव भी, तू सिद्ध हो गया, आज तक मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कहूं कि सिद्ध हूं। इतना जप किया, तप किया, भगवत स्मरण किया, ठाकुर के चरणों में अपनी प्रीति समर्पित की, लेकिन आज तक मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कहूं कि मैं सिद्ध हूं, और तू कह रहा है मेरे ही श्रीमुख से श्रवण करके कि सिद्ध हो गया। कहेगा हां हां मैं सिद्ध हूं। अरे सुखदेव ने सोचा पूछ ही लिया जाए कि क्यों कह रहा है कि मैं सिद्ध हूं। अगले शब्दों में परीक्षित ने कहा, सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि भवता करुणात्मना। आपने करुणा करके मुझे शापग्रस्त परीक्षित को सात दिन लगातार मात्र दुग्धपान करने के लिए आप जाते, दिन भर सुनाते, मध्याह्न में मुहूर्त मात्र का आप विश्राम करते, मेरे लिए आपने इतनी करुणा की, एक दिन भी कथा बंद नहीं की। यहां भी यज्ञ की तैयारियां होती रही, लेकिन कथा एक दिन भी बंद नहीं हुई। क्यों? विष्णुपुरा के हमारे प्रधान श्रोतागढ़ बंद हुई, इसलिए कह रहा हूं कि मैं सिद्ध हूं। आपने करुणा करके मुझे कृष्ण कथा नहीं, आपने कृष्ण को ही सुना दिया। अनादि निधन हरि श्री कृष्ण को ही आपने सुनाया है, और जब उन्हीं को आपने सुना दिया तो मैं क्यों ना अपना उत्तरी उछाल उछाल करके, आप देखते नहीं मेरे पितर भी आकाश में नृत्य कर रहे हैं, सोटयंति पितरः नृत्यं पुनः पुनः। अरे मेरे कुल में ऐसा भगवत भक्त जन्म लिया, तालियां बजा बजा के अपना उत्तरीय उछाल उछाल करके पितृलोक से चंद्रवंशी पितरगण सब नीचे उतर आए हैं, देखते नहीं ये मेरी सिद्धि, आपकी कृपा, आपकी करुणा, और मैं सिद्ध हो गया। श्रावितों में महाभाग, हे महाभाग्यशाली महात्मन, आकाश में देखो जरा, सोटयंत पितरः नृत्यन्ति च पुनः पुनः, बार बार नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, तालियां बजा बजा करके नाच रहे हैं। क्यों? सुखदेव के चरणारविंद का आश्रय लेने वाला मेरा पुत्र, मेरा पौत्र, मेरा प्रपौत्र, मेरे कुल में
एक परम वैष्णव भगवान कृष्ण का भक्त जन्म ले लिया। नाम है परीक्षित, जिसने मां के पेट में ही अपनी परीक्षा देकर के उत्तीर्णता प्राप्त कर ली, जिसने मां के पेट में ही परमात्मा श्री हरि कृष्ण का दर्शन प्राप्त किया, इसीलिए तो उसका नाम पड़ा परीक्षित। परितः इच्छितः येन, जिसके द्वारा परमात्मा का अच्छी तरह दर्शन किया गया, मां के पेट में जन्म लेते ही नाम पड़ गया परीक्षित। ये देखे चाहे ना देखे, भगवान ने तू अवश्य देखा। त्राहिता ही महाभाग महायोगिन, जब इसकी मां उत्तरा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है, अश्वत्थामा देख लिया कोई और रक्षक नहीं, बड़े बड़े महारथियों के होते हुए भी उत्तरा ऐसी भगवत भक्ता देवी है, अर्जुन जैसे महारथियों के होते हुए भी किसी और के शरण में नहीं गई। हे कृष्ण रक्षमाम, और उन्हीं के चरणों में शरणागति की। परिणाम क्या हुआ? भगवान देखते ही देखते अंगुष्ठ मात्र यवरोपदृष्टः, अंगुष्ठ मात्र श्री विग्रह धारण करके भगवान श्री हरि कृष्ण उत्तरा के पेट में प्रवेश कर गए। यदि जीवात्मा नरक में निवास करता है, गर्भ में निवास करता है, तो भगवान भी अपने भक्तों के लिए गर्भवास करते हैं। ये है करुणा, भगवान की करुणा। और अपनी गदा ब्रह्मास्त्र के चारों ओर घुमाने लगे। घूमती हुई कौमुदी की गदा का दर्शन करके परीक्षित को लगा गर्भ में ही ये तो चक्र लगता है, चारों तरफ संक्रमण कर रहा है। लेकिन वो तो कौमुदकी थी, कौमुदकी अलाप चक्रवत घूमने के कारण उसे लगा कि ये चक्र है। भगवान अपनी गदा के द्वारा परीक्षित की रक्षा की दर्शन देते हुए इसलिए कहा गया भगवता रक्षिता परीक्षिता, भगवान के द्वारा जिनकी रक्षा की गई, अथवा इक्षिता दर्शिता भगवता, भगवान ने स्वतः अपने स्वरूप का दर्शन कराया गर्भ के भीतर सुखदेव मुनि को, इसलिए भी इनका नाम परीक्षित है। ऐसा परीक्षित जैसे श्रोता, सुखदेव जैसे वक्ता मिले तो फिर मोक्ष निश्चित है, निःसंदेह है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो बंधुओं, परीक्षित अपनी बात इसलिए आप सब ये न मानेंगे कि हम कथा सुन रहे हैं, हम भगवान को ही सुन रहे हैं। और जब आप भगवत बुद्धि से श्रवण करेंगे तो आप भी कहने के अधिकारी बन जाएंगे, मैं सिद्ध हूं। हाँ, अब मैं गिद्ध नहीं रहा, अब मैं सिद्ध हो गया। हाँ, पहले तो मछली मीट मांस बहुत खाया करता था, लेकिन जब से सुना हूं श्रीमद् भागवत, मुझे न लगा कि मैं कथा श्रवण कर रहा हूं, मुझे तो लगा कि मैं भगवान को ही सुन रहा हूं। क्योंकि एक एक शब्दों में भगवान श्री कृष्ण की ही दिव्य छवि मानो आंखों और कानों से होकर के मेरे अंतर हृदय में प्रवेश करती जा रही है। मैंने तो कृष्ण को ही सुना है। पकड़ लो हाथ बनवारी, ऐसी भगवान की कथा हम कथा के रूप में नहीं, साक्षात भगवत स्वरूप में इसे श्रवण करें।
और भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। 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 प्रेम से गाइए सब लोग। हमारे सिर पे भारी, हरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे है भारी। हरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे भारी। ये प्यारे वजन पापों का है भारी, इससे कैसे उठाएंगे। वजन पापों का है भारी, इससे कर्णत्रय से इस भागवती वार्ता को मन बुद्धि चित्त लगा करके श्रवण करते हैं,
उनका जन्म जन्मांतर ये कल्प कल्पांतर ये रुचि वासना के कारण जो ये बंधन जन्म और मृत्यु के मध्य अनेक उर्मियों के साथ प्राप्त हुआ है वह खुल जाता है। ऐसी भगवान श्री कृष्ण की ये कथा है। यही कारण है कि जो मोक्ष की इच्छा रखने वाले हैं मुमुक्षवः घोर रूपान हित्वा भूतपति नथ भूत प्रेत बैतालों के साथ यत्र तत्र भ्रमण करने वाले और उन्हीं की आराधना में तल्लीन रहने वाले देवी देवताओं के चक्कर में नहीं रहते। वे भूतपतियों की आराधना नहीं करते, वे कृष्ण की ही आराधना करते। ये मुमुक्षवः जो मुमुक्ष को मोक्ष इच्छु हैं, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, अब बहुत बार जन्म ले लिया, अब पुनः मेरा जन्म ना हो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म ले लिया, बार बार मृत्यु को भी प्राप्त कर लिया, अब ये जन्म और मृत्यु के चक्र से मैं मुक्त होना चाहता हूं, उसी को मुमुक्षु कहते हैं। मोक्तुम इच्छत, यहां जितने उपस्थित हैं मैं ये मान के सुना रहा हूं कि आप सब मुमुक्षु, खेती गृहस्थी नौकरी व्यापार करते हुए करोमि यद्यत सकलम परस्मै, हे प्रभो साहब आपके चरणों में समर्पित हो जाए, ऐसी कृपा करो कि साहब ले लो अपनी सेवा में समर्पित कर दो। जैसे उद्बोधन में सत्येंद्र जी ने अरवल से हैदराबाद से आए हुए ने कहा, सब लग जाए, ऐसे लोग इधर उधर नहीं भटकते, भूतपति की आराधना नहीं करते, भूत प्रेत पिशाच भैरव भवानी इत्यादि की आराधना में नहीं लगते। नारायण कला शांता, जो मोक्ष की इच्छा रखने वाले हैं वे कोई साधारण नहीं होते, वे साक्षात नारायण के कला ही मोक्ष की इच्छा रखने वाले होते। यदि मुमुक्षा आपके अंतःकरण में जग गई तो सोच लेना भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो गई। कृष्ण कृपा का परिणाम है कि आप श्रीमद् भागवती कथा वार्ता श्रवण करने के लिए आपको यह सुअवसर प्राप्त हुआ है और इस सुअवसर का आप लाभ ले रहे हैं। ऐसे श्रोता भी भगवान की कला है, नारायण कला शांता। भजन्ति ह्यन सुयवः, वह व्यक्ति किसी से डाह नहीं करता, किसी से रोष नहीं करता, किसी को बढ़ते हुए देख करके जलता भी नहीं। और ये कथा के अधिकारी भी निर्मत शरणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, इस कथा के अधिकारी भी निर्मत्सरी ही। जो किसी को आगे बढ़ते हुए देख करके जले न, ऐसे जो मुमुक्षु हैं मोक्ष चाहने वाले हैं, क्योंकि वे जानते हैं हे सौनकादि मुनियों ये सारा जगत भगवान श्री कृष्ण का ही परायण है। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा, ये लक्ष्मी नारायण महायज्ञ भी भगवान नारायण कृष्ण को ही प्राप्त होने वाला है, वही भोक्ता है। संपूर्ण वेद भी भगवान श्री कृष्ण के ही परायण है।
योग का भी फल वही, समस्त क्रियाओं का फल भी वही है। वासुदेव परम ज्ञानम, भगवान श्री कृष्ण का बोध हो गया तो तूने परम ज्ञान को प्राप्त कर लिया। संपूर्ण ज्ञान का विषय भी वही है। सर्वे शब्दाः यत् पदमामनन्ति, उपनिषद यहां तक कह रहे हैं सभी शब्दों का वाच्य भी वही है। सारे शब्दों के द्वारा, सार्थक और निरर्थक शब्दों के द्वारा भी उसी अर्थ को कहा जाता है। दित्थ कपित्थ का भी जो अर्थ है वह वही है। इसलिए कहा सर्वे शब्दाः यत् पदम आमनन्ति, सकह वह कौन है? कहा वह कृष्ण है। वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः। चार माह तक आप सबके बीच में रहकर जिसे लोग तप कहते हैं, तप नाम तपक क्लेशे, कायक क्लेश का नाम तप है। इच्छा पूर्वक अनेक भोग्य वस्तुओं का त्याग तप कहलाता है। जिससे कुछ शरीर में कष्ट हो वह तप भी, तप का विषय भी भगवान श्री कृष्ण ही है। वासुदेव परो धर्म, वासुदेव पराह क्रिया, वासुदेव परो धर्म, वासुदेव परा गति। और हम सब जीवों की गति भी, गति गमनम आना जाना भी गति कहलाता है, उपाय भी गति कहलाता है। जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं वह भी गति है, प्राप्ति को भी गति कहा जाता है। सर्वे गत्यर्थका चतुरर्थका भवन्ति, सभी गत्यर्थक क्रियाएं चार अर्थों में विद्यमान हैं। उन चारों के विषय भगवान कृष्ण ही हैं। वही भगवान कृष्ण इस सारे जगत को बनाने वाले हैं। सैव ससर्जाग्रे भगवान आत्ममायया, अपनी ही माया के द्वारा, अपने ही बोध के द्वारा, अपनी ही प्रकृति के द्वारा भगवान आत्ममायया, आत्मना मायया ससर्ज, सारे जगत को अपनी माया से, अपनी विचित्र शक्ति के द्वारा। क्योंकि माया क्या है? विचित्र कार्यकारिणी शक्ति ही माया। जिसके कारण जगत में भोग बुद्धि उत्पन्न हो जाए, ये मेरा ये मैं क्यों? जगत में भोग्यता बुद्धि होने के कारण ये मैं हूं, ये मेरा है। व्यक्ति तब तक मेरा मेरा नहीं करता जब तक उसके प्रति भोग्यता बुद्धि ना हो, स्वार्थ बुद्धि ना हो, अच्छा न लगे तब तक किसी वस्तु को मेरा मेरा नहीं करता। इसलिए भोग्यता बुद्धि, भोग्य बुद्धिर जननीम, भगवत पाद रामानुजाचार्य बड़े थोड़े में कहा, एक पूरी चौपाई की जरूरत न पड़ी उन्हें, का भोग्यता बुद्धि जननीम। जो भोग्यता बुद्धि उत्पन्न कर दे उस विचित्र कार्यकारिणी शक्ति का नाम ही माया है। भोग्य बुद्धिर जननीम स्वविषयायाश्च, यद्यपि वह सारा भगवान के लिए भोग्य है लेकिन हम जिनकी माया के कारण उसमें भोग्यता बुद्धि कर बैठे, इसका मतलब हमारे हृदय में माया है। यदि माया नहीं होती तो भोग्यता बुद्धि नहीं आती। भगवान भी
इसी बुद्धि से जगत को बनाते हैं। आत्ममायया ससर्जा, उस परमात्मा ने सृष्टि की, पूछा क्यों की, कहा इसलिए कि स एकाकी न रमते, उनका भी भोग नहीं हो रहा था। भोग्यता बुद्धि तो थी लेकिन भोग नहीं प्राप्त हो रहा था, इसलिए उस परमात्मा ने दुनिया बना दिया है। लोग पूछते हैं कि परमात्मा ने जगत को क्यों बनाया, काहे को दुनिया बनाई। ऐ दुनिया बनाने वाले, किसी कवि ने कहा क्यों क्यों बनाया, क्या तुम्हारे मन में आया बाबा कि दुनिया बना दिया, कहा मुझे भी अच्छा न लगा। स एकाकी न रमते, एको हम बहु श्यामो, मैं बहुत बनूंगा, क्यों बनोगे, कहा मुझे अच्छा नहीं लगता, तो अच्छा कैसे लगता है, कब जा सारा जगत जब मेरे लिए भोग्य बन जाए, भोग्यता के रूप में, भोग्य के रूप में उपस्थित हो जाए। इसीलिए लोग भगवान तक से पूछ बैठते हैं कि दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बना। तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया